वफाकी वजीर दाखला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान एक ऐसा नासूर है कि इसका एजेंडा सिर्फ मुल्क में तबाही है। वजीर दाखला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हवालात या जेल में किसी को तकलीफ होती है तो इसे अस्पताल मुंतकिल करना मामूल की बात होती है। मेरी इत्तलात के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब कम्फर्टेबल हैं, इनको जेल में तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से बात करते हुए कहा कि ये एक फितना था और है, इसने मुल्क की सियासत को गंदा किया, इस फितने ने मुल्क की सियासत में बदतमीजी और बदतहजीबी पैदा की। वजीर दाखला का कहना था कि 9 मई को इसने जो हरकत की है वोट बढ़ने की इसकी खाम ख्याली है, अवाम को इस शख्स की शनाख्त और अदराक हो चुका है। ये शख्स कभी भी मुल्क की सियासत में मरकजी किरदार अदा करने में शामिल नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई से पहले इस शख्स ने कौम के नौजवानों के जहनों में नफरत भरी। हर जी शऊर आदमी समझता है कि ये शख्स मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, ये एक ऐसा नासूर है, इसका एजेंडा सिर्फ मुल्क में तबाही है। इस किरदार का आदमी किसी कौम की अक्सरियत का लीडर हो सकता है? राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये 2013 में भी मकबूल था। क्या इलेक्ट्रोलर स्ट्रेंथ सामने आई थी? निगरान सेटअप आना चाहिए, आइन की मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, बजट में इलेक्शन के लिए पैसे रखे गए हैं, इलेक्शन से कभी भागे हैं ना भागेंगे, लेकिन ये चाहता था 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो, इसकी हमने जायज़ मुखालफत की। इलेक्शन एक ही रोज़ होने चाहिए और निगरान सेटअप होना चाहिए।